आईपीएल 2021 के पूरे शेड्यूल का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। 9 अप्रैल को आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा जो कि चेन्नई में होगा, लेकिन उससे पहले आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को बहुत बड़ा धक्का लगा है। पिछले 6 साल के आंकड़े हमारे सामने आए हैं, उसमें आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कमज़ोर हो गई है, कम हो गई है। क्या वो ब्रांड वैल्यू कम हुई है और टीमों का क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि टीमों की भी जो है ब्रांड वैल्यू है वो भी कम हुई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू क्या है, पहले क्या थी और अब क्या हो गई है, सीएसके की ब्रांड वैल्यू पहले क्या थी और अब क्या हो गई है, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आईपीएल 2021 9 अप्रैल से खेला जाएगा, लेकिन जो हम आपको आंकड़े बताने जा रहे हैं, जो हमने आपसे बताया कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कम हो गई है, वो कम हुई है 2020 के हिसाब से अगर हम देखें तो, पिछले आईपीएल के हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि पिछला आईपीएल आपको मालूम है कि यूएई में खेला गया था, भारत में नहीं हो पाया था कोरोना वायरस की वजह से, तो कितनी ब्रांड वैल्यू घटी है ये हम आपको बताते हैं। 2019 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 47,500 करोड़ रुपए थी, जो 2020 में घटकर 45,800 करोड़ रुपए हो गई। यानी कि इस हिसाब से देखें तो 3.6% की गिरावट इसमें देखी गई है। इसके साथ ही टीमों की ब्रांड वैल्यू में भी जो है कमजोरी देखी गई है। कोई भी टीम आईपीएल की जो 8 फ्रेंचाइजी हैं उसमें से कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसकी ब्रांड वैल्यू पहले से बेहतर हुई है, सबकी नेगेटिव ब्रांड वैल्यू यानी कि पहले से कमज़ोर हुई है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं जो आईपीएल की सबसे बड़ी टीम है यानी कि मुंबई इंडियंस, जो अब तक 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, उसकी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कितनी है। मुंबई इंडियंस की सबसे पहले बात करते हैं और इसकी ब्रांड वैल्यू जो थी वो 2019 में 809 थी और वह अब घट करके 761 हो गई है। यानी कि 809 से 761 हो गई है, ये -5.9 हो गई है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें, जो हम लोग बदलाव देख बता रहे हैं आपको वो परसेंटेज के हिसाब से। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स जो दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम मानी जाती है आईपीएल की, 3 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है ये टीम और इसकी ब्रांड वैल्यू जो थी 2019 में 732 थी, ये 611 हो गई है। इसकी गिरावट जो है 16.5% हुई है। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स, ये भी 2 बार आईपीएल की चैंपियन रह चुकी है टीम, 629 थी 2019 में और 2020 में 543 हो गई है, -13.7% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। इसके बाद बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, जो अभी तक 1 बार आईपीएल के खिताब नहीं जीत पाई है। इस टीम की ब्रांड वैल्यू जो 2019 में थी वो 595 थी, जो घटकर 2020 में 536 हो गई है, 9.9% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। सनराइजर्स हैदराबाद, ये भी टीम आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, इसकी ब्रांड वैल्यू 2019 में 483 थी और अब इसकी 442 हो गई है, ये गिरावट तकरीबन 8.5% के हिसाब से है। दिल्ली कैपिटल्स एक और टीम जो पिछले साल आईपीएल के फाइनल में पहुंची थी, पहली बार आईपीएल का फाइनल खेला था लेकिन मुंबई इंडियंस इस टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इस टीम की ब्रांड वैल्यू 2019 में 374 थी, जो अब घटकर 370 हो गई है, जो करीब 1% नेगेटिव है। इसके अलावा किंग्स इलेवन पंजाब की अगर हम बात करें तो 358 थी 2019 में और अब 318 हो गई है 2020 की अगर हम बात करें तो, ये -11.3 हो गई है। राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो 271 2019 में थी और 2020 में 249 हो गई है, ये करीब 8.1% के हिसाब से गिरावट दर्ज की गई है। तो आपने देखा कि जो सबसे ज़्यादा गिरावट जिस टीम के ब्रांड वैल्यू में की गई है वो दर्ज की गई है चेन्नई सुपर किंग्स में, और सबसे कम जो गिरावट दर्ज की गई है वो गिरावट आई है दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। क्योंकि आपको मालूम है कि पिछला आईपीएल जो दिल्ली कैपिटल्स पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची थी, हालांकि मुंबई इंडियंस से उनको हार का सामना करना पड़ा था, और चेन्नई सुपर किंग्स जो एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम है उसकी 7वां पोजीशन आया था पिछले आईपीएल में। पहली बार जो है आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ जब ये टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो हमने आपको सारे टीमों के ब्रांड वैल्यू बताई है, ये पिछले साल 2019 और 2020 के आंकड़े हैं, 2021 से इसका कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा 2020 का आईपीएल खेला जाना बाकी, इसके बाद फिर नई ब्रांड वैल्यू सामने आएगी। जो टीम जिस तरह का परफॉर्मेंस करेगी उसी हिसाब से इन टीमों के ब्रांड वैल्यू भी हमें दिखाई पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको बताते हैं कि भारत ने इंग्लैंड के बीच जो T20 सीरीज़ है वो भी खेली जानी है, उसकी सारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर के आएंगे। इसके अलावा वनडे सीरीज़ भी खेली जानी है और आईपीएल तो अपने आप में तमाम सारी तैयारियां चली रही हैं, चाहे वो टीमों के कैंप लग रहे हों, चाहे टीमों का सिलेक्शन हो रहा हो, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस वगैरह भी शुरू हो चुकी है, तमाम सारी अपडेट्स उसके बारे में आती रहेंगी, वो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और
आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।